वरुण गांधी ने किया मोदी सरकार की नाक में दम। वरुण के हमलों का बीजेपी के पास नहीं है जवाब। वरुण गांधी के आगे बेबस मोदी और योगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी की नीतियों को लेकर हमलावर हैं, जब बीजेपी के साथ साथ विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेता मोदी पर सीधा हमला करने से बचते हैं, वहीं वरुण गांधी मोदी और योगी का नाम लेकर सरकार को घेर रहे हैं। फिर भी मोदी सरकार अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अब वरुण गांधी ने एक नई रणनीति के तहत मोदी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। इस नई रणनीति का नाम है लेटर पॉलिटिक्स। आखिर यह लेटर पॉलिटिक्स है क्या? इतना विरोध करने के बावजूद मोदी सरकार कार्रवाई करने की जहमत क्यों नहीं उठा पाती, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर क्या है लेटर पॉलिटिक्स? अब तक वरुण गांधी खुले मंच से या ट्विटर के जरिए मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब लेटर पॉलिटिक्स के जरिए मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेटर पॉलिटिक्स यानी चिट्ठी लिखने की राजनीति। वरुण गांधी एक बार फिर से चर्चा में हैं। किसानों और खेती किसानी के मुद्दे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। बेमौसम हुई बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में बीजेपी सांसद वरुण ने अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम इलाकों में फसल खराब होने का हवाला देकर सीएम योगी को पत्र लिखा। अपने लोकसभा क्षेत्र में किसानों के हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराकर फसलों का मुआवजा देने की मांग रखी। वरुण ने पीलीभगत के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार के नाम भी खत लिखकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सर्वे कराकर आकलन करने के लिए कदम उठाए जाने की बात कही। अपने विरोध करने का अंदाज बदल दिया। सांसद वरुण गांधी अब बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का तौर तरीका बदला है। पिछले कई सालों से वरुण गांधी सोशल मीडिया पर ही एक्टिव नजर आए हैं। अपनी ही बीजेपी पार्टी पर सवाल उठाकर वरुण की भविष्य की राजनीति को लेकर अटकलें लगती रही हैं। चाहे बात केंद्र की मोदी सरकार की हो या फिर राज्य की योगी सरकार की, वरुण नीतियों को लेकर सवाल करते आए हैं। अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे पीलीभगत सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों और नौजवानों की आवाज उठाते रहे हैं। इससे पहले भी वह समय समय पर गरीब तबके के लोगों के साथ खड़े होकर बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे पर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल या निशान खड़े करते नजर आए थे। अब ट्विटर से हटकर वह लेटर लिखकर अपनी बात को आगे कर रहे हैं। आखिर क्यों बीजेपी वरुण पर कार्रवाई करने से बचती है? मेनका गांधी वरुण गांधी का सुल्तानपुर पीलीभगत में चलता है राज। एक तरफ राहुल गांधी जहां उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव हार गए, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी ने रिकॉर्ड मतों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की थी। वरुण गांधी को 7 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सपा के उम्मीदवार को मात्र 4 लाख वोट मिले। 2014 में भी सुल्तानपुर में सुल्तान बने थे वरुण गांधी। वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में बीजेपी के 16 वर्षों का वनवास खत्म किया था। 1998 के बाद बीजेपी का खाता सुल्तानपुर में नहीं खुल पाया था। वरुण गांधी को कुल 42.52% मत मिले थे। वोट की संख्या की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र 41,000 वोट मिले थे। 2009 में भी वरुण गांधी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किए और शानदार जीत दर्ज की थी। माँ बेटा मिलकर 10 विधानसभा सीटों पर कर सकते हैं खेल। सुल्तानपुर पीलीभगत जहाँ माँ बेटे लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, उससे अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती हैं। वरुण गांधी यहाँ के युवाओं किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उन्हें युवा भाईजी कहकर संबोधित करते हैं। इलाकों में पंजाबियों की संख्या भी अच्छी खासी है। मेनका गांधी उसी समुदाय से आती हैं। कांग्रेस में आने से वरुण गांधी के खेमे में मुसलमानों का वोट भी आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वनवास भी खत्म हो सकता है। इस वक्त सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से इकलौते सांसद हैं और विधानसभा में मात्र 2 विधायक। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस के लिए तुरुप का पत्ता भी साबित हो सकते हैं, और इसलिए मोदी सरकार भी वरुण गांधी से डरी हुई है।